मोबाइल बच बच के मेरे तो जी अम्मी कान आई पक गए। कहाँ है ये लड़की? परवा आ रही हूँ आ रही हूँ, आ गई। एक तुम्हें आ भी ना अरे तुम्हारा मोबाइल देख रही हूँ डॉक्टर, परेशानी हो रही। बस अभी देखिए। अरे संभाल के हाँ कहीं हाँ चोट न लग जाए। संभालिए। कहाँ थी तुम इतनी देर से? तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हो, फोन कर रही हो। ओह, इसे पौधों में पानी डाल रही थी ना इसलिए। तुम बताओ कैसी रही फिर? बताया। हाँ यार, तुम्हें तो पता है। साहिल और समुंदर दोनों ही मेरी कमजोरी है। बहुत एंजॉय किया। और तुम्हें पता है, हम सारी कजन्स ने खूब मजा करने के बाद घर भी बनाए मट्टी के। पानी में भी गए थे? हाँ ना, बहुत मजा किया। तुम्हें पता है, मैंने और किंजा ने बहुत देर तक वॉकिंग करी और फिर हम लोगों ने वहां पे खेला। चलो फिर भी अच्छा है। एंजॉय तो क्या तुम लोग? हाँ बहुत। अगर तुम होती तो और मजा आता। मैं होती तो। और तुम कराची क्यों नहीं आ जाती? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई बहुत ही आसान काम हो कराची आना। तुम्हें पता है, जब से कॉलेज खत्म हुआ है तब से अम्मी ने तो किचन में बांध के रखा हुआ है। कहती हैं आओ खाना पकाओ, ये सीख लो वो सीख लो, बस सिर्फ घर के काम और घर के। और तुम अम्मी की सारी बातें खुशी खुशी मान रही हो, है ना? ताकि वो तुम्हें जल्दी ससुराल दे। बस एक बात बताओ, रिश्ता विश्ता आया कि नहीं? क्यों आएगा? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और दुआ करो कि रिश्ता आए भी नहीं। मुझसे शादी नहीं करी, अभी तो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। यार अब ये सब शौक तुम्हारा वहां हैदराबाद में रहके तो पूरा नहीं हो सकता ना, इसलिए तुम्हें कराची आना होगा क्योंकि यहीं पे ही सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस पे अम्मी से बात हो सकती है। करके देख लो। अच्छा सुनो, तुम मम्मा से बात करो, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सही है? फिर मुझे बताओ। हाँ, तुम रेस्ट करो और मैं जाके अभी अभी थोड़ा सा सोच के अम्मी से बात करती हूँ। ठीक है, खुदाफिज। मैं मना लूंगी। जाओ फरवा को लेके आओ। सुरानी साहिबा, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। बस वो एक मिनट, एक सेकेंड बस। बताओ कैसी लग रही? हाँ बहुत तेज लग रही। आ रही हूँ। एक चलो परवा। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम आओ इधर बैठो। अच्छा शाबाश। फरवा बेटा चाय दो ना। सॉरी, मुझे पता नहीं चला, वो पता नहीं कैसे मेरे हाथ से चली गई, मुझे मुझे बाकी नहीं पता चला। I'm sorry. It's okay. अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। जाओ फरवा जाके हाथ धो लेगा। After you. Yeah.
ऐसा करो आंटी के लिए चाय डालो ना तुम। आंटी बता रही थी कि आप आगे पढ़ना चाहती हैं। क्यों, आपको कोई एतराज है क्या? अरे नहीं, मुझे भला कोई एतराज क्यों। इनफैक्ट मैं तो हमेशा से यही मानता हूँ दैट एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर पर्सन। इल्म तो दौलत है, जितनी हो उतनी कम। मेरी तो यही ख्वाहिश है। अब देखिए, अम्मी के हुक्म को भी रद्द नहीं कर सकती हूँ। आगे जो खुदा की मर्जी। ऊपर वाले ने तो आई एम श्योर कुछ अच्छा ही सोचा, वरना इस तरह हम आज साथ यूं खड़े नहीं होते। मेरा एक भाई है, वो यूके में रहते हैं और चाहते हैं कि अम्मी उनके पास आ जाए मेरी शादी के बाद। और अम्मी को भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार है, इसीलिए अम्मी चाहती हैं कि मेरी शादी जल्दी से हो जाए। और आप? आप क्या चाहती? जी? मेरी फैमिली में मेरे अलावा और कोई नहीं। फादर पास्ड अवे से बहुत छोटा था। मेरी मदर को पिछले करीबन 3 साल हुए, तो आंटी बहुत ही छोटी क्योंकि मैं अकेला ही। और अब तो अकेलेपन का ये हाल है कि सुबह ऑफिस जाने के लिए टाइम पे आंख भी नहीं खुली। सोच रहा था अगर कोई टाइम पे उठाने वाला आ जाए तो शायद ऑफिस टाइम पे चेंज। आप शादी इसलिए करना चाहते हैं कि आपको कोई सुबह टाइम पे उठा सके? नहीं, आई मीन उसके भी वो बाहर सब इंतजार करेंगे। या चल चलिए।